सो गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल शिवमांशी जर्नी। और आज है 16th of March और शादी के बाद ये मेरी फर्स्ट होली है। तो आज मम्मी पापा आ रहे हैं हमें, मतलब मुझे घर ले जाने के लिए। सो अब मैं थोड़े दिन के लिए जा रही हूँ अपने मायके। सो आज मैं थोड़ी एक्साइटेड ज़्यादा हूँ। और अभी आ रहे हैं हस्बैंड भी मेरे ऑफिस से, आज जल्दी आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, कुछ वो मुझे गिफ्ट दिला रहे हैं। होली का टाइम नहीं मिला था क्योंकि घर पे हमारे गेस्ट भी आए हुए हैं और नाना जी की थोड़ी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब थी, तो हम लोग हॉस्पिटल में ज़्यादा बिजी होने के कारण वो मुझे गिफ्ट नहीं दिला पाए। सो आज फाइनली उन्होंने टाइम निकाला है जिससे हम लोग जा रहे हैं गिफ्ट परचेज करने के लिए। और मेरा ये है लगेज जो आ चुके हैं आलमबाग मार्केट, और ये देखिए आगे आगे भाग रहे हैं। और फाइनली हमने अजमेरा फैशन से ले लिया है हमारी साड़ी और अब हम चलते हैं आगे कुछ और शॉपिंग करने के लिए। बोलो जल्दी। बकरीद तो हम मनाते भी नहीं है। सो इन्हें दिवाली बहुत पसंद है, इन्हें पटाखे बहुत पसंद है और हमें कलर्स बहुत पसंद है, इसलिए हमें होली बहुत पसंद है। अभी हम लोग जाते हैं मार्केट से, ले चुके हैं और अब जल्दी जल्दी घर जा रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा भी आने वाले हैं, खाना बनाने की भी तैयारी करनी है। चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं हमें होली पे गिफ्ट क्या मिला। ऐसा नहीं है मैंने भी नहीं गिफ्ट दिया है होली पे, इनका भी गिफ्ट दिखाएंगे हम, हमने क्या दिया है इनको होली पे गिफ्ट। गाइस देखिए ये आज अपने घर जा रही हैं और इनका आलता की सीसी फिर निकल आई। हम तो आलता से बड़े परेशान हैं, जब ये कहाँ जहाँ चाहेंगी आलता बोतल इनके साथ में रहते, जैसे दारू वाले के साथ बाटली इनके साथ आलता। तो गाइस ये है मेरा चूड़ा जो मुझे दिलाया गया है होली गिफ्ट में, और एक साड़ी भी मिली है मुझे और एक सूट भी मिला है मुझे। ये बहुत सारे गिफ्ट मिले जो मैं आपको दिखाऊंगी घर पहुंच के। अब मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस मम्मी पापा आ गए हैं, तो ये देखिए गाड़ी सुसर इधर होगा। तुम क्या बनाओगे? ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है। सो अब यहाँ पर नाश्ता और बातें चल रही हैं साथ साथ। ये सब करने के बाद हम लोग खाना खाएंगे और फिर कुछ गिफ्ट्स जो आए हैं वो मेरे देखिए होली का शगुन आया है मेरे घर से जो मम्मी और पापा लेके आए हैं। नाक पे तो मूछे बन गई हैं। जाओ गुजिया खिला दो। देखो हो गया और गिफ्ट्स भी दे दिए गए और अब घर जाने का टाइम आ गया। सो अब पहुँचते हैं घर और फिर कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ से व्लॉग को। सो गाइस आ चुके हैं हम अपने घर और मज़े करेंगे। सो पहुँच चुके हैं, अब कपड़े चेंज करके मिलते हैं होलिका दहन। होलिका दहन है और होलिका दहन की प्रिपरेशन हो रही है। ये देखिए ये हमारी कॉलोनी में होली सेलिब्रेशन हो रहा है, तो अभी पूजा चल रही है और पूजा के बाद होगा होली जलेगी और हम लोग होली इंजॉय करेंगे। कल फिर कलर्स के साथ खेलेंगे। सो दिखाते हैं आप लोगों को, सब आ रहा है कॉलोनी में धीरे धीरे सब। देखो देखो देखो, ऐसे नहीं किया जाता बेटा। नहीं बाबू, वही 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 वही।
और राहुल भैया को तो सब एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं अभी, सब कल जम के होली खेलेंगे, अभी तो थोड़ी बहुत वाली होली खेल रहे हैं। होलिका जल चुकी है और अब सब होलिका के फेरे ले रहे हैं। गाइस अभी तक आप लोगों ने मेरे मायके की होली देखी और ये हो रहा है मेरे ससुराल में होलिका दहन, ऐसे होता है। तो यहाँ पर भी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है, सो एंजॉय। हमेशा अच्छी तरह जो की कुंज, कभी कोई कष्ट ना दियो, सब अच्छी तरह हमेशा पर पिचकारी ऐसे नहीं खींचो हो। अरे पिचकारी मैंने गले में मारी बे हरवा वे गौ तंग रंग में खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलन में। बरे पिचकारी मैंने पैरों में मारी गाइज। इसी के साथ हम व्लॉग यहीं एंड करते हैं और होली सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है। मिलते हैं आप लोगों के साथ होली के व्लॉग 2 के साथ आप लोगों से। होली का ऑलरेडी व्लॉग बहुत लेट आया है क्योंकि हम लोगों को ऑफिस के कारण शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, हम लोग व्लॉग एडिट नहीं कर पा रहे हैं। बट कोई नहीं, देर आएगा, सवेर आएगा, बट आएगा ज़रूर। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नए व्लॉग।